कोरोना से सबसे बड़ी लड़ाई फ्रंटलाइन पर कोरोना वॉरियर्स के तौर पर डॉक्टर्स लड़ रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि एक 7 सितारा होटल पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप यहां पे जो लोग देख रहे हैं ये सभी डॉक्टर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं। फ्रंटलाइन पर रह करके इन्होंने लड़ाई लड़ी है और तकरीबन 300 के करीब लोग यहां पर इस होटल में रह रहे थे। आधे लोग क्वारंटीन थे और आधे लोग लगातार यहां पर ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन गुरुवार को उस वक्त अचानक से सब शॉक्ड हो गए जब उन्हें पता चला कि मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार की तरफ से एक आदेश आया है और उस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि 12 बजे से पहले यानी दोपहर होने से ठीक पहले सबको चेकआउट कर देना है किसी भी हालत में। सबसे बड़ा सवाल यही है, कई डॉक्टर्स लगातार ड्यूटी पर जा रहे हैं, कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि अपने घरों को जाएंगे और कई हॉस्टल्स में रहेंगे, अब ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास, कहां आप जाएंगे? We will never be wanting our families to be affected, definitely, that for sure, because I live with my parents and my grandmother, so I would never risk their life just because I am doing the duty. So the only left option with me is to go to the hostel, and definitely there are some people who are not on duty at present, and because we have common bathrooms there, common mess there, so definitely all the doctors will be exposed and will be at risk of carrying the infections. Dr. Kavita, आप जो है यहाँ पे कब से रह रही थी, अब आगे क्या ऑप्शन मिलता है, क्योंकि आप सामान के साथ अब कहाँ पे रह रही? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं हॉस्टल में नहीं रहती हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ, तो मुझे अपने घर पे एक अलग से रूम या कुछ करके रहना पड़ेगा, अपने घर वाले से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम की बात है। मैम, जो ये आदेश आया है, इस आदेश के बाद कोरोना की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? आई डोंट नो, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हॉस्टल जा नहीं सकते, अपने फ्रेंड्स को नहीं कर सकते एक्सपोज, फैमिली में जा नहीं सकते, मदर है, नीज है, छोटे बच्चे, इट्स लाइक वेरी रिस्की वे टू गो। क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल अपने घर वालों को एक्सपोज नहीं करना चाहूंगा। अगर ये भी होता कि इनकी नई गाइडलाइंस आई थी कि बिटवीन 5 to 10 days आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं, इफ इट इज नेगेटिव देन फॉर आर मेंटल सेटिस्फेक्शन, फॉर आर फैमिली मेंटल सेटिस्फेक्शन, वो अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है वी कैन गो होम, बट एटलीस्ट वी शुड बी गिवन दैट मच पीरियड ऑफ टाइम फॉर द क्वारंटीन दैट वी शुड हैव। समय नहीं मिला? समय तो हमें नहीं मिल रही है, और हम अपने परिवार के साथ रहते हैं और हमारी सोशल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये इन्फेक्शन होने से बचाएं, तो अगर हम घर जाते हैं तो ये दिक्कत है। और बड़ी बात है कि जो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं वो दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कैसे वो लड़ाई भी लड़ें, खुद को भी बचाएं और किसी को भी इन्फेक्टेड न होने दें। अब कैसे आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि अब तक तो सभी लोग यहां रह रहे थे होटल में, आगे की गाइडलाइंस भी हम वेट कर रहे हैं, कुछ हमारी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से हमें कुछ बताया जाए। अभी तो हमारे पास कोई जगह नहीं है, अब तो वापस हमें अपने हॉस्टल में या फिर पीजी में जाना पड़ेगा जहां पे। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी इस बात का विरोध किया है। हाँ जी, हाँ, आरडीए ने, हमारे आरडीए ने बोला है कि वो लोग कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ पे होटल में या फिर सेपरेट किसी फैसिलिटी में हमें स्टे दिया जाए, क्योंकि अगर हम घर पे जाते हैं तो हम अपनी फैमिलीज को अफेक्ट करेंगे, विच वी डू नॉट वॉन्ट कि हमारी फैमिलीज फालतू में एक्सपोजर ले इस चीज का। जी, क्या कहेंगे? देखिए, हम अगर यहाँ से जाएंगे तो हमें या तो हॉस्टल जाना पड़ेगा या तो अपने घर जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हॉस्टल में कॉमन मेस है, कॉमन बाथरूम है, घर में भी कॉमन किचन है, कॉमन बाथरूम है, तो इससे हम सबको स्प्रेड करेंगे, सिर्फ घर वालों को या बाकी हॉस्टल्स के हमारे जो साथ के रेसिडेंट्स हैं उनको भी स्प्रेड करेंगे। साथ ही साथ अगर हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं अपने लिए, ऑब्वियसली खरीदना ही पड़ेगा, हमें कहाँ से मिलेगी, तो हम इसको कम्युनिटी में भी स्प्रेड करेंगे। तो इसलिए क्वारंटाइन बहुत जरूरी, अगर क्वारंटाइन नहीं मिलेगा तो हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे, इसके बाद हम पेशेंट को और पेशेंट ही नहीं बाकी कम्युनिटी में स्प्रेड करेंगे। अब क्वारंटाइन कैसे होगा, ये सवाल है। अगर अभी हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, अगर हम अपने हॉस्टल चले जाते हैं तो वहां पे फिर सब लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कोई क्वारंटाइन की फैसिलिटी हमारे लिए रखी जाए एटलीस्ट फॉर 14 डेज। मैं तो साउथ इंडिया से हूँ, मुझे तो सिर्फ दो ही ऑप्शन है, आइदर टू स्टे हियर और आई शुड स्टे इन द हॉस्टल। अगर हॉस्टल में अगर मैं स्टे कर रहा हूँ तो वहाँ पे तो कॉमन बाथरूम्स है, लाइक फॉर 25-30 लोगों के लिए सिर्फ एक ही बाथरूम वैसे अवेलेबल है, तो वहाँ पे ट्रांसमिशन का रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा, तो मुझे तो फिलहाल मुझे कोई ऑप्शन नहीं है, जस्ट आई एम ऑन द रोड राइट नाउ।
सभी सड़क पर हैं और यहाँ पर सड़क पर आप देख भी सकते हैं। आप सभी का बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, क्वारंटीन रहिए और साथ ही साथ लड़ाई जारी रखिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दरअसल जो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक सबको क्वारंटीन किया गया था और रेजिडेंट डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन जो कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का है उसने भी इस बात का विरोध जताया है कि कम से कम कुछ मोहलत दी जाए। और इस फरमान के बाद आपने देखा कि किस तरह से जो सभी डॉक्टर्स हैं कोरोना वॉरियर्स हैं वो फिलहाल इस वक्त अब आगे क्या करें इस रणनीति का मन बना रहे हैं।